आज से 3 दिन पहले हमने YouTube खोला और एक वीडियो पर लाइव वाचिंग देखा 1,97,000। अच्छा 3 दिन पहले की बात है। कितना लाइव वाचिंग था? 1,97,000। ठीक, लेकिन 3 दिन बाद देख रहे हैं, मतलब आज देखे हैं, उससे व्यूज था मात्र 50,000 ही भाई, 48,000। मतलब लाइव वाचिंग में 2 लाख बच्चे, 2 लाख के आसपास, और व्यूअर्स मात्र 50,000 के आसपास। मतलब कुछ ना कुछ अटपटा गड़बड़ी तो है। तो भाई ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? दिशा ऑनलाइन क्लासेज, संजय सर या टारगेट बोर्ड वाले प्रिंस सर? और इसमें किसका कितना गलती है, आज हम बात करेंगे। कौन सही है, कौन गलत है, इस वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे। आज से 5-6 दिन पहले एक वीडियो आया टारगेट बोर्ड वाले प्रिंस सर का, कि बच्चों के साथ धोखा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अच्छा बात है कि बच्चों के साथ धोखा किसी भी टीचर को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो ये इनका मुद्दा ये था कि किसी भी चैनल पे, मान लेते हैं इनके चैनल पे ही नहीं, मान ले किसी भी चैनल पे, कि 2,000 बच्चे लाइव वॉचिंग में, ठीक, और 5 मिनट के अंदर में 10,000 हो जाना, 12,000 हो जाना, 15,000 हो जाना, क्या थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है? ये अटपटा हमेशा सब लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो इनको बार बार देख रहे हैं, तो क्योंकि मान ले भाई कंपटीटर है तो एक दूसरे के ऊपर ध्यान तो लोग रखेगा ही कि कौन क्या कर रहा है, किस पर कितना व्यूअर्स आ रहा है, वाचिंग आ रहा है, कितना व्यूज आ रहा है। तो दोनों आदमी एक दूसरे पे ध्यान रखते होंगे मेरे हिसाब से। अगर ध्यान नहीं रखते होंगे तो फिर पकड़े कैसे, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो कैसे रही है? पहले 5 दिन पहले वीडियो बनाए और उसके जस्ट 2 दिन बाद ये पोल खुलना चालू हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो रहा है। तो 2 से 10 होना थोड़ा सा लगता है कि अटपटा है। मतलब आप समझिए ना कि 2 लाख वाचिंग और 50,000 व्यूज, ये तो ऐसा लग रहा है ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ये लाइव वाचिंग अगर 2 लाख है तो व्यूज तो 5-6 लाख जाना ही चाहिए भाई। आपको क्या लगता है, व्यूज 50,000 ही होना चाहिए? तो क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है कि नहीं? तो मुझे ये लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो क्या ये जो गड़बड़ी हो रहा है ये संजय सर, दिशा ऑनलाइन क्लासेज वाले सर खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? क्या इनके चैनल पे कोई और करवा सकता है क्या? क्या आपको लगता है? देखो भाई, जहां तक बात है कि ये यूट्यूब इशू भी हो सकता है, या सर खुद भी करवा सकते हैं या कोई और भी करवा सकता है। अब तीनों में सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता है, क्योंकि 100 में देखिए, अगर 100% की बात है तो 3 मामला हो सकता है। या तो YouTube की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो, या दिशा ऑनलाइन क्लासेज वाले संजय सर खुद करते हो, या कोई और भी करवा सकता है। देखिए एक बात ये भी होता है कि अगर ये बार बार करते हैं अपने चैनल पे तो चैनल का आपका रीच कम हो जाएगा, व्यूज आना कम हो जाएगा। क्या संजय सर अपने चैनल को खुद ही बर्बाद कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इसमें संजय सर की गड़बड़ी थोड़ा कम है। अब सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता है, ये खुद भी कर सकते हैं, कोई बाहर वाला आदमी भी करवा सकता है। अच्छा, क्या जो टारगेट बोर्ड वाले प्रिंस सर ने मुद्दा उठाए कि बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ी हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो क्या उन्होंने गलत किया? क्या उन्होंने जानबूझ के मुद्दा खड़ा किया? नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी, गलतियाँ हो रही थी। और भाई देखो, किसी भी अगर कहीं कुछ गलती हो रहा है तो उसको सबके सामने आके बोलना, ये जीवित व्यक्ति की पहचान है, ये शिक्षित व्यक्ति की पहचान है। ये तो बहुत को देखते हैं, अरे होने तो जो हो रहा है भैया, ये गड़बड़ी है। अगर मान लेते हैं जो मुद्दा खड़ा किए प्रिंस सर, टारगेट पुर वाले सर, बहुत सही किए हैं, कि ऐसा जो अभी आजकल जो ट्रेंड चला है कि पैसे दे के भी आप अपने लाइव वॉचिंग व्यूअर्स सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, ऐसे बहुत लोग करते। तो प्रिंस सर ने जो मुद्दा खड़ा किए हैं बहुत सही किए हैं मेरे हिसाब से। अभी दिशा ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइबर है 13,30,000, मतलब 1.3 मिलियन, और टारगेट पुर वाले सर का है 1.4 मिलियन, मतलब 14,90,000 के आसपास। दोनों आदमी काफ़ी तगड़े, मतलब ऐसे मान लो आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच वाले, दोनों में कौन जीतेगा किसी को नहीं पता है। ठीक वैसे ही दोनों आदमी बेस्ट है, दोनों में कोई ऐसा नहीं कि कोई खराब पढ़ाते हैं, दोनों बेस्ट टीचर है। लेकिन जो गड़बड़ी हो रहा है ये कौन कर रहा है, टारगेट बोर्ड वाले सर या दिशा ऑनलाइन क्लासेज वाले सर? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप अपना राय खुल कर दीजिए। एक बात और, पावर ऑफ किसी कोचिंग के नाम मत लीजिए, थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पावर सब में है। ऐसा लगता है कि किसी का नाम लेते हैं तो लगता है कि आप बायोस हो गए हैं, मतलब आपकी जो सोच है ना, मतलब एक तरफा हो गया है। बेस्ट सब है भाई, किसी का मैथ बेस्ट है, किसी का केमिस्ट्री बेस्ट है, किसी का हिंदी बेस्ट है, किसी का संस्कृत बेस्ट है, भाई परफेक्ट कोई नहीं है, सब में थोड़ा हमारा कमी है, थोड़ा हमारा अच्छा है, सब लोग बेस्ट हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए।
पॉजिटिव निगेटिव जो लिखना हो खुल के लिखिए। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे आप सब अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये तो जरूर बोल ही सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट, बिहार इज द बेस्ट।